मैं डॉक्टर अंशना से हूँ। बेसिकली मैं होम्योपैथी हूँ और जेमोथेरेपी के जरिए अपने पेशेंट्स का ट्रीटमेंट करती हूँ। जैसा कि मैंने जेमोथेरेपी डेफिनेशन जो है वो अपनी पहले वाली वीडियो में डिफाइन कर दी है कि जेमोथेरेपी जो है वो होम्योपैथी का एक पार्ट है और इसमें हम जो मेडिसिन लेते हैं वो 50-100 ड्रॉप्स भी हो सकते हैं, एंटीबायोटिक भी हो सकते हैं और इंजेक्शन भी हो सकते हैं। और जेमोथेरेपी का रिजल्ट ऐसा है कि इसमें कोई साइड इफेक्ट नहीं है, हमारा लीवर किडनी कोई साइड इफेक्ट नहीं लगता इन मेडिसिन से, ठीक है। और इनफर्टिलिटी के हवाले से मुझे थायरॉयडिज्म के पेशेंट्स की कि हम इनफर्टिलिटी में किस तरह से ट्रीटमेंट देते हैं, एक डॉक्टर ने उन्होंने भी मुझसे आज ये कहा कि ऐसे मरीज़ जिनका थायरॉक्सिन लेवी होती हैं उनका हाइपोथायरॉयडिज्म होता है तो उनको प्रेगनेंसी के लिए किस तरह प्रेगनेंसी होती है जेमोथेरेपी के अंदर। लेकिन जेमोथेरेपी के अंदर जो ये प्रेगनेंसी हाइपोथायरॉयडिज्म की वजह से नहीं हो रही होती है उसको हम लेवल को बराबर करते हैं, आया कि पेशेंट हमारे पास हाइपो है या हाइपर है। हाइपो वाला पेशेंट वो होता है इसका मेटाबॉलिक रेट जो होता है ना वो कम होता है, और हाइपर वाले का जो होता है वो आयोडीन की कमी हो जाती है तो वो ही कंडीशन में आ जाते हैं। अच्छा, ऐसी लेडीज़ के जिनको जो थायरॉक्सिन ले रही होती हैं उनको प्रेगनेंसी नहीं होती, क्योंकि ज़्यादातर ये एलोपैथिक डॉक्टर्स ये बात कहते हैं कि अगर उनको प्रेगनेंसी हो भी जाती है तो उनका बेबी एबनॉर्मल, ठीक है, और एबनॉर्मल होता है, और अगर इन केस थायरॉयडिज्म वो ले रहे होते हैं तो एबॉर्शन का भी उनको खतरा होता है। लेकिन जब हम ऐसा पेशेंट लेते हैं जिनको थायरॉयडिज्म का इशू होता है तो हम उनको उनका ट्रीटमेंट स्टार्ट करते हैं इनफर्टिलिटी के हवाले से, तो जैसे उनके एग्स बनाने स्टार्ट करते हैं, जैसे उनको पीरियड आने स्टार्ट होते हैं, तो हम फर्स्ट जिसके साथ ही उनको जेमोथेरेपी की मेडिसिन जो होती हैं थायरॉक्सिन वगैरह ये हम स्टार्ट करते हैं, और उसका जो मेडिसिन जो होती हैं वो एक सुबह और एक शाम मतलब डबल दे रहे होते हैं। और उसके बाद जब हम रिपोर्ट जब हमारे पास आती है कि पेशेंट जो है वो प्रेगनेंट हो जाता है, तो जब पेशेंट प्रेगनेंट हो जाता है तो उसी हवाले से फिर हम उसका जो थायरॉक्सिन का जो रेट होता है उसको हम बढ़ाना शुरू कर देते हैं ताकि जो प्रेगनेंसी हो रही है उस पर उसका कोई असर ना हो। जो ज़्यादातर इसका असर ये होता है कि बेबी जो है तो एबनॉर्मलिटी की तरफ चला जाता है या एबॉर्शन का केस हो जाता है। इसके लिए हम लोग गज़ा में चीज़ें बताते हैं कि आयोडीन वाली चीज़ों का इस्तेमाल करें, एग्स का इस्तेमाल करें, फ्रूट्स का इस्तेमाल करें। वो इन सब चीज़ों का जब इस्तेमाल कर रही होती हैं तो उनकी जितनी भी प्रॉब्लम हो रही होती है थायरॉयडिज्म की वजह से वो सॉल्व होने शुरू हो जाती है। दूसरी बात ये कि जो हमारा पिट्यूटरी ग्लैंड है इसका ताल्लुक हमारे थायरॉयडिज्म से है, तो वो जो ग्लैंड हमारी बॉडी के अंदर आ रहा होता है यानी उसके बाद वो ब्लड में आता है और ब्लड में आने के बाद थायरॉक्सिन की हमें जरूरत पड़ जाती है यानी कि हाइपो या हाइपर में आ रहा होता है, तो हम थोड़ा सा पिट्यूटरी ग्लैंड को भी कवर करने की कोशिश करते हैं। और जब वो कवर होने लगता है प्रेगनेंसी के हवाले से तो फिर पेशेंट जो है हमारा बिल्कुल रिलैक्स हो जाता है और उसके बाद हम उनका डे बाय डे मेडिसिन का जरूरत बढ़ाते रहते हैं और उनका टेस्ट कंटिन्यू कराते रहते हैं ताकि थायरॉक्सिन का जो प्रॉब्लम है वो उनका सॉल्व हो जाए।